रानियां थी, संतान एक भी नहीं था। तो अंगिरा मुनि से भेंट हुई तो चित्रकेतु ने संतान की मांग किया। तो अंगिरा मुनि ने कहा, तुम्हें पुत्र सुख नहीं है, मैं कहां से दूं? नहीं नहीं, अगर संत चाह ले तो कृपा हो जाती है, भगवान को भी नियम बदलना पड़ता है। आप कृपा कीजिए, मुझे बेटा चाहिए बस। तो ठीक है, बेटा की भूख है, ले जा। तो बड़ी रानी को बेटा हो गया फल खाने से। अब अन्य रानियों को सौतिया डा हो गया कि राजा तो अब इन्हीं से लाड लगाएंगे, हमें तो ताकेंगे भी ना है। तो सबने क्या किया, दूध में जहर मिला के पिला दिया और सोता का सोता ही रहा, उठा ही नहीं। अब सुबह होते ही छाती पीट पीट के बिलाप के सिवा कुछ नहीं। राजा ने जब सुना वो भी दौड़ के आ गए, आंसू फेंकते हुए छाते पीट पीट के विलाप करने लगे। अंगिरा मुनि के साथ में देवर्षि नारद भी आए। तो काफी समय से नारद जी देख रहे हैं। नारद जी ने कहा, अंगिरा मुनि आप थोड़ा बगल हो जाइए, सही मुलाकात नहीं हुई है, मुझे आने दीजिए। बगल हो गए, नारद जी आए। नारद जी ने कहा, राजन तुम बेटे से मिलना चाहते हो, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरा बेटा चला गया है? वही ना मैं पूछ रहा हूं, बेटे से मिलना है। हाँ, मिला सकोगे? आंसू पोंछ के बैठू, अभी मिलाता हूं। अब तो क्या कहे ना, चित्रकेतु राजा आंसू पोंछ के एकदम पालथी लगा के बैठ गया। अच्छा मिलाओ। तो नारद जी ने जीवात्मा का उस मृत शरीर में आवाहन किया। जीवात्मन पश्यं भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्तः सुचा तत्कृतया प्रिसम। उस मृत शरीर में जीवात्मा प्रविष्ट हो गया, बोल पड़ा, कस्मिन् जन्मन्न मयि मह्यं पितरो मातरो भवन कर्मे भिर् ब्राह्म्य माणस्य देवतिर्यज्ञयो निषु। नारद जी ने कहा, ये कुछ पूछ रहा है, कस्मिन् जन्मन्मयि मह्यं, कौन से जन्म के माता पिता हैं आप, जल्दी बोलो। नारद जी ने कहा, बोलो जल्दी उत्तर दो, जिसके लिए आंसू फेंक रहे हो। क्या मैं तेरा बाप पहचाना नहीं? तो नारद जी ने कहा, वही तो पूछ रहा है ना, कौन से जन्म के 84 लाख योनि है, किस योनि के माता पिता हैं, जल्दी बोलो। क्या इसके लिए मैं आंसू फेंक फेंक के आंखें फोड़ ली और मुझे पहचानता तक नहीं? मैं सब समझ गया, ये शरीर के साथ संबंध बनते हैं जन्म होते ही, और शरीर छूटने के बाद सारे संबंध नाते समाप्त हो जाते हैं। अब तो मैं अपना संबंध उसी से जोड़ूंगा जो शाश्वत हो, निरंतर बना हो, प्रतिपल हमेशा याद हो और जन्म जन्म जन्मांतर तक बनी हो। ऐसा संबंधी कौन है? कहते हैं संकर्षण भगवान की उपासना किया है, विद्याधर लोक को गया। अब विद्याधर लोक से विमान पे बैठ के कैलाश पहुंच गया। अब कैलाश पे पहुंचा तो कैलाश पे क्या लीला चल रही है, हमारे शंकर जी अपनी जंघा पे पार्वती को बिठा के अनंत अनंत ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं। अब देखते ही ये फिर चालू हो गया, देखो ये जगत के गुरु बनने चले हैं, इनको तनिक अकल नहीं है, समाज में कैसे बैठा जाए, शर्म नहीं आती? भोले बाबा तो कुछ बोले नहीं,
लेकिन पार्वती से प्रार्थना किया, माँ जो भी देखता जो प्राकृत था वह भी वही कहता जो मैंने कहा। अब मेरे कहे हुए वचनों से आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। या कि असुर योनि में भी भगवत भक्ति बनी रहेगी, ये मेरा आशीर्वचन वचन है। तो वृत्तासुर असुर योनि में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मांगा। तो आइए हम आप भी जिस भक्त श्रोमणी की महिमा आज की कथा में मुख्य रूप से हम आप सुनने चल रहे हैं, तो भगवान के नाम से जुड़ जाएं और फिर चलते हैं। मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तो मेरी डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले, जिंदगी की मोहन तेरे हवाले। सांसों में तुम बसे हो, सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले, एक डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले, जिंदगी की जन्नत में भेज चाहे सौहरत में भेज चाहे तू, जन्नत में भेज चाहे सौहरत में भेज चाहे, हम तो दीवाने एक बार देखे तो हमको नहीं है परवाह, हमको नहीं है परवाह, मुरली बजाने वाले हमको नहीं है परवाह, मुरली बजाने वाले श्री हरि लेकिन पकरेला गांव में जो कथा चल रही है यहां भक्त मानेंगे कब,
मानूंगा मैं तो जब ही हो, मानूंगा मैं तो जब ही बिता दे दुनिया बनाने वाले उचित स्थान पे पृथ्वी को विराजमान भी किए थे। तभी से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान का पक्का दुश्मन बन बैठा। तो आज यह हिमालय की कंदराओं में तप नारायण नारायण बदरी नारायण 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 बदरी नारायण नारायण। तो ये नाम दुश्मन का जब बोलना चालू किया तो हिरण्यकश्यप वापस चला गया। तो कयाधु याग की धर्म पत्नी है, वह ने पूछा, स्वामी आप किसी चीज के लिए हट करके जब जाते हैं तो इतनी जल्दी से तो आप नहीं आते हैं, कारण क्या है, क्या मैं जान सकती हूं? अब चरण की सेवा चालू होगी, है ना। धर्म पत्नी चाह ले तो पति से सारे काम करवा सकती है। स्वामी बोलो ना, देवी मत पूछो, मेरे दुश्मन का नाम लेना चालू किया उसने। अरे दुश्मन का नाम किस सुर में ले रहा था और कैसे बोल रहा था, क्या बताएंगे नहीं आप? मैंने कहा ना मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। अरे स्वर क्या था, उच्च स्वर में कह रहा था या मध्य स्वर में बोल रहा था? स्वामी बताओ ना, वो मेरे दुश्मन नारायण का नाम ले रहा था। कयाधो का काम तो हो गया। इसी भांति से 108 नाम पति के मुख से निकलवा के ही मानी। तो जिसकी कथा हम सुनने चल रहे हैं वो है कौन, ये भी साथ में देखते चलना है। हाँ, आज की कथा का पूरा फल है इस कथा प्रसंग में। कहते हैं आज हिरण्यकश्यप प्रवसन पर्वत पे तपस्या करने के लिए गया, घनघोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होके प्रकट हुए। कहते हैं ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अजर अमर बना दो। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा तो नियम नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ मांग लो। तो याने मांगना चालू किया, ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू ना जानवर से मरू, आपके बनाए सृष्टि से ना किसी महीने में मरू। मांगने की झड़ी लगा दी। तो ब्रह्मा ने कहा ये सारे वरदान मैं तुझे देता हूं क्योंकि तेरे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं किया है। दिमाग खा लिए थे, हड्डी सिर्फ बची थी प्राण। इसलिए और ये जब वर प्राप्ति करके आया सारे देवता दास्ता करने लगे। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता है चल पानी लेके आ, आंगन की सफाई करनी है, महल धुलाने हैं। बताओ सब देवता प्रभु बड़ी दिक्कत है रही है, दास्ता करने लगे। प्रभु ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया कुछ समय तक धैर्य बना के रखो, हम आएंगे। और एक दिन ये मार्ग से निकला तो एक संत बाबा, देखो कुछ संत ऐसे होते हैं ना वो बटोहिया में शालिग्राम को लेके चलते हैं, जैसे कुछ माताएं बहने हैं हम जिस परिवार में आए हैं, भाई यहां तो इतने भगत हैं लेकिन लड्डू गोपाल तो दो इस घर में है और पहले ही दिन कलश यात्रा से हाथ धो के सबको दर्शन दे रहे हैं, अब कल तो निश्चित भगवान आएंगे ही आएंगे, ये पक्का है। तो जो भी पक्का है वो कल का देखा जाएगा, पहले आज का तो देखो।
अब कुछ बहनें तो माताएं तो ऐसी हैं, है ना, लड्डू गोपाल के बगैर नहीं रह सकती हैं। हाँ, जिनके लड्डू गोपाल होंगे ना, उनके जीवन का आनंद थोड़ा देख के आप उनसे बात कीजिएगा। देखिए, स्त्रियों के पास अमृत भी होता है और स्त्रियों के पास जहर भी हुआ किया करता है, दोनों है। कहा है, अगर स्त्री की सुंदरता का आप वाकई सकल बार बार देखेंगे तो उसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, और उसी स्त्री के जिसका आप मुख मंडल बार बार देखना चाहते हैं, यदि उसके चरणों में आपकी दृष्टि बार बार पहुंचना चालू हो जाएगा तो वाक्य चरण में अमृत भरा मिलेगा। तो स्त्रियों के चरणों में देखोगे तो अमृत है, अमुख मंडल में माथा देखोगे तो जहर भरा पड़ा मिलेगा। ये दोनों है। अब देख लो तो बहुत सावधान हो गए। तो कुछ संत बाबा हैं, वो व्यसनी होते हैं, बिना भगवान को लिए वो नहीं चलते हैं भाई, है ना। तो कमंडल में लेके चल रहे थे, अब हिरण्यकश्यप भी सामने से मिल गया। ए बाबा, मुझे प्यास लगी है, कमंडल में पानी है। अब बाबा की धड़कनें तेज हो गई, कहीं भगवान को देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आगे बढ़ के बड़ी बेग से हाथ से कमंडल छीन लिया। बाबा के नेत्र तो सजल हो गए, प्रभु अब तो सब कुछ आपके हाथों में, देख लो। तार से तार भिड़ गए। तो जैसे आंख बंद करके पानी पीना चालू किया तो बाबा के कमंडल में शालिग्राम जो बैठे थे वो पानी में पंडित हो गए और सास समेत सबको भटकता चला गया। तो जिसकी कथा हम सुनने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, सुनने चल रहे हैं तैयारी बना के, वो है कौन? संकेत बहुत कुछ मिल रहा है कथा के माध्यम से, देखते चलो। कहते हैं हिरण्यकश्यप के चार बेटा हुए, उनमें जिनका नाम ही कुछ अद्भुत है, जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद कौन है? नाम जपते प्रभु कीन है प्रसादो, नाम जपते प्रभु कीन है प्रसादो, भगत शिरो मणि है प्रहलादो, भगत शिरो प्रहलादो। तो प्रहलाद ही कौन है? भक्तों के शिरोमणि है भाई। तो संकेत भी कुछ अभी मिला। तो शिरोमणि कैसे नहीं होंगे? कहते हैं प्रहलाद को बचपन से ही भगवान का व्यसन हो गया था। जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही कुछ ऐसा भक्ति का रंग दिखे, और कई जगह दिखता है बच्चों में, है ना, तो क्या माने? कहते हैं जैसे आपने दर्जी को कपड़ा दिया मुझे चाहिए, तो वो खाली बैठा था और आधा काम उसको सेटिंग फिटिंग करके रात में रख लिया, और सुबह दुकान खोलते ही सिलन चलाई और लाके आपको दे दिया। तो आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया मैं तो दिया था, आप बोले तो समय नहीं है और आप इतनी जल्दी लाके दे दिए। तो दर्जी भैया यही कहेंगे, मैंने कुछ काम कल ही निपटा लिया था और आ जाते ही सिलाई चलाई दे दिया, समय मिल गया। तो जिसने भक्ति करते करते जीवन निकल गए, कुछ शेष बचे हुए थे,
तो इस जन्म में बचपन से ही वह भगवान के रंग का है, उसे व्यसन हुआ किया करता है। जो ये लक्षण बच्चों में किसी किसी के घर में जो बहुत ही है, ऐसे वो लीला करते हैं कि मत पूछो, एकदम ऐसी वाणी बोलेंगे कि मत पूछो आप, माता पिता आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हम गुजरात गए थे है ना, वहां भी कार्यक्रम बन रहा है, तो एक बालक ऐसा है वो प्रहलाद जैसा है और 7 साल की अवस्था है, चुटिया बड़ी मोटी है, त्रिपुंड लगा के बैठता है और बात करेगा तो आंख पलक झपेगी नहीं। माता पिता उसे भगवान मानते हैं, पूजते हैं, कहते हैं मैं मंदिर नहीं जा पाती हूं केवल इसी के लिए, क्योंकि भगवान ही आए हैं, सब कॉलोनी वाले परेशान हैं और देखने में ना आप भूल जाओगे सब कुछ। ऐसे ऐसे बालक हैं किसी न किसी रूप में। तो आज इनका मन लगा कहां से प्रहलाद जी का, ये भी तो देखो, ये छोटे पन पे गलियों से निकले, जैसे बच्चे निकलते हैं घूमने के लिए खेलने के लिए, एक कुंभकार बाबा मटकों को पकाने के लिए एक के ऊपर एक रख के आग लगा दी और आग अपनी चरम सीमा पे, तो प्रहलाद वहीं पहुंच गए। अब जब आग चरम सीमा पे तो कुछ बिल्ली के बच्चों की चीख उनके कान में बाबा के पहुंच गई, बाबा की धड़कन तेज हो गई, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आग की दाह में तो कोई पास भी नहीं जा सकता, वो बचेंगे कैसे, मुझसे अपराध हो गया, रोने के सिवा कुछ नहीं। प्रहलाद पहुंच गए, बाबा आप आंसू, क्या बात है, बेटा मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये आग देख रहा है ना, मटकों को पकाने के लिए मैंने आग लगाई, अब कान लगा के सुन, कुछ आवाज चीख सुनाई पड़ रही है। प्रहलाद जी ने लगाया, बिल्ली के बच्चों की चीख कान तक पहुंच गई। बाबा एक बात बताओ, तो इस आग की दाह में से कोई दुनिया में है जो इन बच्चों को सच सलामत बचाने वाला है, बचा सकता है? बाबा के मुख से आवाज निकली, बेटा यदि भगवान चाहे तो बचा सकता है, विश्वास। तार से तार भिड़ गए, ये तो सजल हो गया गोविंद, यदि आज मैंने आपकी करनी और कथनी इन आंखों से देख लिया तो शेष जीवन आपके नाम कुर्बान हो जाएगा। इतना कहते देर नहीं हुआ, आग शीतल हो गई, मटके सब पके हुए, ले बाबा दौड़े, मटकों को उठा उठा के बगल किया और सबसे नीचे का जो मटका था पका हुआ और जैसे उसको उठाया, बिल्ली के बच्चे उछलते खेलते कूदते सांप किलकारी मारते बाहर दिखाई पड़ गए। बाबा के आनंद का पारावार नहीं। प्रहलाद के पास आए, बेटा तू कोई जादूगर है, क्या हुआ, सच बोल। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता, अब बिल्ली के बच्चों के रोम कूप तक नहीं चले और मटका भी पका हुआ, ये कितना आश्चर्य हुआ है। यदि प्रहलाद का मन कहीं से लगा तो प्रथम गुरु कुंभकार बाबा प्रहलाद के होते हैं मेरे भाई बहन, प्रथम गुरु है। देखो गुरु तो कई होते हैं जिनसे ज्ञान मिला, लेकिन सदगुरु एक होगा जो मंत्र दीक्षा कान में देने वाला होता है, है ना? ज्ञानी भजनानंदी है, ऐसे सदगुरु को हम अपना जीवन सौंपते हैं, ऐसे थोड़ी ना देते हैं, बहुत कुछ देखने के बाद। हाँ सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज प्रहलाद 5 साल के हो गए तो शिक्षा अध्ययन के लिए बच्चों को भेजा गया हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जिसमें प्रहलाद जी पढ़ाई करने जाते हैं, ये विद्यालय का नाम है, सुन लो। गए
तो छल कपट की विद्या है ना, उसको हृदय में धारण नहीं करते हैं। एक दिन पिताजी पहुंच गए, बेटा तेने अभी तक की शिक्षा काल में कितनी नीति सीखी है? प्रहलाद जी ने सुना दिया, पिताजी अभी तक तो मैंने एक बात सीखी है, अच्छा लगता है कोई नई नीति सीखा है। अच्छा बता पिताजी, सब कुछ भूल के हरि के दीवाने हो जाओ। लाल पीला हो गया, तो मन में सोचा भाई बच्चों को जो पढ़ाया जाता होगा वही ना बताएगा, बेटा अपने गुरु को भेज। प्रहलाद आए, गुरुदेव आपको पिताजी याद कर रहे हैं। संडा मर्क प्राचार्य हैं विद्यालय के, आए म्यान से तलवार निकाल के गर्दन पे लगाई, थर थर कांपने लगे। यही सब पढ़ाने के लिए मैंने भेजा है बालक को, कहता है सब कुछ छोड़ के हरि के दीवाने हो जाओ। महाराज ऐसी कोई शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती है, विद्या जो आपने लागू किया है सब वही पढ़ाया जाता है। अगर ऐसी कोई बात है तो कोई गुप्तचर वहां पे छिपके बैठा है जो ये सब बताया किया करता होगा। देखिए मुझे एक मौका आप निश्चित दीजिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, देख लो अगर दूसरी बात बताई ना तो ये तलवार की धार तुम्हारी गर्दन एक हो जाएगी। ठीक है, आए तो संडा मर्क ने सोचा बच्चों से कुछ पूछना है जानना है तो डांट फटकार के पूछोगे तो जो बताना है वो भी नहीं बताएंगे। ये विशेषता है। और लाड प्यार से पुचकार के जानोगे तो जो नहीं बताना वो भी उगल देंगे। गोदी में बिठाया, अपने हाथों से केस को फेरा, बेटा एक बात बता, ये जो ऊट पटांग की बात तेने पिता को बताई वो तेने कहां से सीखी? गुरुदेव जो हृदय में डेरा डाल के बैठ चुका है वो बाहर निकलने का नाम तक नहीं लेता है। और लाल पीला हो गए, परेशान हो गए। प्रहलाद जी के नेत्र से सजल हो गए, प्रभु जो सही बात बोलता है उसे उल्टी खोपड़ी के लोग कहते हैं, और जो उल्टी पाठ पढ़ाए गलत बात बताए हैं उसको लोग सही मानते हैं। आपकी माया को सत सत प्रणाम है। देख लो, कहते हैं प्रहलाद को बांध के पटक दिया किसी ने काम से, विद्यालय में तो कई काम होते हैं ना, चले गए। बच्चों को मिला मौका, जब क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे कैसे खेलते कूदते हैं, नहीं मिल गया मौका। प्रहलाद एक बात पूछूं, ये मैं देखता हूं तू या चक्कर में काहे को पड़ा हुआ है, हैं? ये भजन पूजा पाठ है बुढ़ापों का विषय है, जब बुढ़ापा आ जाएगा चौथापन तब भजन वजन है। मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर देना। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए, आज भगवान को हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी पड़ रही है। हैं? क्यों नहीं मांगनी पड़े? क्योंकि भक्त गए जाऊंगा नहीं, मांग जो इच्छा है। तो प्रहलाद जी ने सोचा मैं क्या मांगू, तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान ये लेना देना व्यापारियों का काम है, भक्त भगवान को शोभा नहीं देता है। भगवान ने कहा मांग मैं दिए बगैर नहीं जाऊंगा, आया हूं तो। अब प्रहलाद जी ने सोचा कोई महापुरुष बार बार देवे की बात करे तो मना करना भी ज्यादा ठीक नहीं है, तो ठीक है मेरे पिता की सबसे पहली बात यह है अधोगति नहीं होनी चाहिए। उसे हुआ हो उसकी तो सदगति ही हो सकती है, अधोगति की तो बात ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुझ जैसा भक्त शिरोमणि करती हैं, तो को बुलाते हैं सबसे दिलाते हैं फिर भी देते हैं। आपका श्री राधे कृष्ण गौशाला ट्रस्ट ऐसे थोड़ी ना बना है, अपना तो एक ही काम है। और भक्त लोग सुन के जब विदाई करते हैं तो दक्षिणा उसमें दे देते हैं गौशाला के नाम।
तो जहां से बनता है, और जब जब हम घर जाते हैं तब तब चालू हो जाता है। लोग परेशान होते हैं, भैया ये बाबा कितना दक्षिणा लेके आता है, आते ही जुट जाता है। तो बड़ी समस्या है, क्या किया जाए भक्तों की भक्ति का काम। मैं दिए बगैर नहीं मानूंगा, चल पहले गद्दी पे बैठ, एक मनवंतर सुख भोग, और अंत में मेरा पार्षद तू ही बनेगा। हैं? अब यहां नरसिंह भगवान का पूजन करते हैं प्रहलाद जी। आइए हम आप भी, समय हो चुका है, इसके बाद आरती और शेष कल की तैयारी। बड़े धूमधाम से हम आप तैयारी के साथ आएंगे। भगवान नरसिंह के चरणार बिंद से पिठल के चरणार बिंद के चरणार बिंद श्रीनाथ के चरणार बिंद से पिठल के चरणार बिंद नाथ के चरणार बिंद के चरणा रविंद के चरणा के चरणा ओ कलयुग के आधार सौभाग्य का विषय बना हुआ है। हमारे बाबूजी मुख्य यजमान श्रीमती बिमला सिंह जी माता जी और हमारे बाबूजी, सभी लोग ताली बजा के जोरदार स्वागत करेंगे आप सभी लोग। संदेव गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत है भजन छोटा सा, और आप लोग सब लोग हाथ उठाए एक बार। चलो कन्हैया लाल की आज है तो प्रभु हम सबका यार है, आइए कैसे। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, हम सलोने तू मेरा दीवाना है।
और सब लोग करीब आ जाइए, भगवान की खूब मंगल में आरती हम लोग करेंगे। कैसे आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण राधिका चमक रही मानी, ब्रह्मज सी अन कस्तूरी तिलक चंद सी झक ललित छवि सादारी की। सिर झक भरे भगानी की, आरती कुंज बिहारी। श्रवण ते भूत जटा के हरे अगति चरण छवि चहू।
पापानि जन्मान्तरगतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणे पदे पदे जलेन शिवलेखनं हस्तप्रक्षालनम् हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय यजन्ता देवास्तानि धर्मा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः आवाहनम् न जानामि न जानामि तवार्चनम् पूजाम् च न जानामि क्षम्यताम् परमेश्वरः मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् सुरेश्वर यत् पूजितम् मया देवो परिपूर्ण तदस्तमे पापोऽहम् पापकर्माहम् पापात्मा पापसम्भवः त्राहि माम् पार्वतीनाथो सर्वपापरो भव महादेवि यथा योग्यम् तथा कुरु ॐ प्रमादात् कुर्वताम् कर्म प्रक्षवेता धरिष्यतो स्मरणा देव तद्विष्णो सम्पूर्णम् स्यादिश्रुते आत्मनागा स्मृते स्वभावात् करोति यज्ञम् सकलम् परस्मै नारायणाय समर्पयेतत् नमः सर्वहितार्थाय जगताधार हेतवे साष्टाङ्गे प्रणामोहि प्रयत्नेन मया कृतः मत्पुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि ॐ श्री राधा कृष्णा ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु पराग पुंजम ध्यान ध्यानार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः मंगलमूर्ते नमः जल गिरा दे चार इसे देखा गिरा दे ओम पाद्यहु पाद्यम हस्ते और अर्घम सर्वांगे जले स्नानियम सन्याकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यापद्भ्यागुं शूद्रो जायतः प्रत्यक्ष धूपम आघ्रापयामि ततो दीपम संदर्श्यामि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः दीपम संदर्श्यामि दीपान्ते हस्तप्रक्षालनं जलेन शीतलीकरणं ततो नैवेद्यं निवेदयामि लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथया मुनि मध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाब्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय व्यास भगवान सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान I'm
प्रभाव भगवान की। पूछ पकड़ेंगे, हम तुम्हें गिरे खानदान के दिखते हैं, तो आपस में यही चर्चा चली रही थी। भगवान ने इशारा किया, देखो काम बनाना है तो कर लो, जो कहें मानते चलो, जब तक काम सिद्ध नहीं हो जाए। तो सभी देवता वासुकी पूछ अही कि पूछ की तरफ हो गए, तो ठीक है तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो, हम ही पकड़ लेते। कहते हैं देवता दैत्य मिलके मंथन शुभारंभ हो जाता है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जब मंथन शुभारंभ हुआ तो मंदराचल नीचे धसता हुआ दिखाई पड़ा, सब देवता चीख उठे। उसी वक्त भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पीठ पे उसको धारण कर लेते हैं। बोल कच्छप भगवान की, कृत्वा वपु कच्छपे मद्भुतम महत् प्रवेश तोयम् गिरिमुञ्जहारे। कच्छप रूप धारण करके भगवान ने मंदराचल को अपने पीठ पे इत्येव धारण कर लेते हैं। पुनः मंथन शुभारंभ होता है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले हलाहल कालकूट विष प्रकट होता है। अब सारे देवता विष को लेके भोलेनाथ के पास, नागेश्वर नाथ, क्या है ये कालकूट? त्रिलोक को दग्ध करने वाला, इस विष से आप रक्षा कीजिए हम सबकी। तो बगल में पार्वती बैठी है, पार्वती से पूछते हैं, देख लो देवता विष लाए हैं, पी लूं? देवी ने कहा मैं नहीं कहती, क्या पी लूं? देखो जगत का जिसमें हित है आप वही ना करेंगे, मुझे मालूम है, तो काहे को हमको खामोखा पूछते हैं आप। भगवान शिव हैं, कितने दयालु देवता हैं, देख लो देवताओं कहां है। और हाथ को बढ़ाया कत्तली, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नास्त्रेलोके दहना विषा। कत्तली पे विष को रख लिया और राह कह के मुख खोला, विष को गटक गए, मां कह के बंद कर लिया, न भीतर न बाहर समस्या खत्म। जैसे भगवान का कंठ नीला नीला हो गया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, एक और नाम भगवान का पड़ गया, बोल नीलकंठ भगवान की। ये साधुओं का आभूषण हुआ किया करता है भाई, ऐसे भोलेनाथ। लेकिन कुछ कथा ऐसी भी आती है कि भगवान शिव ने जब विष का पान कर रहे थे तो कुछ विष का कण छलक के नीचे आ गया था इस मृत्यु लोक पे। आज जितने विषैले जीव जंतु आपको दिखाई पड़ते हैं, इन सबने गंगा का जल का चरणामृत जैसा इन लोगों ने भी स्वाद ले लिया था, जिह्वा से चख लिया था, तो जैसे उसी समय से सब विषैले हो गए, ऐसी भी कथा आती है। आज जितने विषैले हैं जीव जंतु सबने विष का सेवन किया, जैसे विषैला हो गया। सब देवता यहां से वापस जाते हैं। कहते हैं जब मंथन शुभारंभ होता है, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई जिसको ऋषियों ने लिया, फिर उच्चेश्वरवा घोड़ा निकला जिसे बलि ने स्वीकार किया, एरावत हाथी प्रकट हुआ
जिसको इंद्र ने स्वीकार किया। कौस्तुभ मणि प्रकट हुए जिसको अजित भगवान के गले में वह विराजमान हुई हुई। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित हुआ। अप्सराएं प्रकट हुई जिनको देवताओं ने ग्रहण किया। लक्ष्मी प्रकट होती हैं जो नारायण के गले में माला पहना के एक दो तीन हो चलती हैं। वारुणी देवी प्रकट हुई जिनको दैत्यों ने स्वीकार किया। और अंत में धनवंतरी भगवान अमृत का घड़ा लेके प्रकट होते हैं। बोल धनवंतरी भगवान की। और जैसे अमृत का घड़ा दिखा दैत्यों ने छीन लिया। इतनी मेहनत के बाद तो अमृत मिला वो भी चला गया। सब देवता चीख उठे, प्रभु मेरे साथ देखो क्या हो गया। भगवान कहते हैं देवताओं, जो मेरे अधीन रहा किया करता है, जो मेरे आश्रित रहा किया करता है, उसकी गई हुई वस्तु में लाके उसे प्रदान किया करता हूं। थोड़ी धैर्य बना के बैठो, देख लो भगवान क्या कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान की वाणी पे दृढ़ विश्वास, अब सदगुरु के वाणी पे वचनों पे दृढ़ विश्वास। अगर दो पे हो गया ना, हाँ तो मत पूछो। तो जो भगवान के अधीन रहता है, भगवान के भरोसे रहता है, उसकी गई हुई वस्तु भी लाके भगवान उसे प्रदान करते हैं। वो विषय भगवान का है, वो कहां से आएगा कैसे आएगा। जैसे हम लोग को कुछ जजमान ऐसे होते हैं, सब करेंगे लेकिन चलते चलते दक्षिणा भी नहीं देते। भाई जजमान तो कई होते हैं ना, एक जैसे तो होते नहीं सब। तो कई लोग कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, महाराज जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान की कथा मैंने सुनाया है ना, वो भगवान ने व्यवस्था बनाई होगी। या जजमान से ना सही फिर कहीं कथा सुनाएंगे, वो पूरी दक्षिणा इकट्ठा दे देगा। विश्वास भी भगवान के भरोसे पे रहोगे तब घटना घटती रहेगी, नहीं तो ऐसे ताकते रहो। ये भगवान कहते हैं, आप सुन भी दें ठीक है। अब सब दैत्य लेके आपस में, पहले मैं पीऊंगा, इसी चक्कर में सब लगे रहते भाई। तो उसी समय भगवान मोहिनी रूप लेके प्रकट हो जाते हैं। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब भगवान मोहिनी का जब रूप देखा, सब दैत्य मुग्ध होते चले गए। एक ने कहा, ये देवी इतनी सुंदर है, ये किसी अच्छे खानदान की होगी, कुलीन घर की है, लेकिन यहां क्या कर रही है। अब जितनी बात करते जा रहे हैं उतना ही सब मोहित होते जा रहे हैं। ये भगवान के रूप छटा देखने की लीला प्रारंभ हो चुकी है, नाम ही मोहिनी है। तो मोहिनी भगवान इनके पास पहुंचे तो मोहिनी भगवान ने कहा, देखो तुम आपस में ये झगड़ा क्यों कर रहे हो। देवी हम भाइयों ने मिलकर अमृत मंथन किया है और ये बहुमूल्य अमृत या चक्कर में हम भिड़ गए कि पहले मैं पीऊंगा या चक्कर में ये सब काम हो रहा है। लेकिन यदि इतनी मेहनत से हमने आपको प्राप्त किया है, यदि अपने हाथों से तुम पिला दोगी तो आनंद नहीं आ जाएगा। मोहिनी भगवान ने कहा, इतनी मेहनत से तुमने अमृत प्राप्त किया है, ना कोई जान ना कोई पहचान, ऐसे तुम विश्वास कर बैठे। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित मोहिनी भगवान ने जब ये कहा तो और विश्वास प्रगाढ़ होता चला गया, नाना ये विश्वास करने योग्य है। कुछ भी हो ये अमृत हम तो तुम्हारे हाथ से पियेंगे,
लेकिन एक शर्त है, क्या? मैं जो भी करूं मुझे करने देना, बीच में रोक टोक मत करना। सब दैत्य मोहित हुए थे भगवान पे, ठीक है, जो इच्छा आप कीजिए। कहते हैं वह दैत्य अमृत को भगवान मोहिनी के हाथ में प्रदान किया और मोहिनी भगवान ने विचार किया, अब लीला को आगे बढ़ाया जाए। मोहिनी भगवान ने कहा, देखो ये जो अमृत दही के समान थक्का थक्का है ना, वो नीचे जम के बैठा हुआ है और जो पानी है वो ऊपर छलक रहा है, तो पहले मैं जो देवता है वहां को पानी पिला दूं और गाढ़ा गाढ़ा इकट्ठा पेट भर के पी लेना। साम मोहित हो ही चुके थे, देवी एक स्वर में बोल पड़े, जो इच्छा लेकिन तुम्हारे हाथ से ही पीऊंगा। ठीक है, पी लेना जी भर के, फिर अभी थोड़ी समय में देवताओं की पंक्ति लग गई, दैत्यों की भी लग गई, तो मोहिनी भगवान ने अमृत पिलाना देवताओं को शुभारंभ कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जब मोहिनी भगवान पिला रहे थे ना, तो एक दैत्य बड़ा ही चलाक था, स्वर भानु नामक, याने विचार किया कि कुछ इसमें गड़बड़ है, तो सूर्य और चंद्र के बीच लगा पालथी बैठ गया। और भगवान जब अमृत पिला ही रहे थे तो आके मुख में भी चला गया, तो देवता ने इशारा किया, प्रभु ये दैत्य है। एक निमिष में सबको देवताओं को पिला के भगवान वहां का सर काट के अदृश्य हो गए। सब देवता पेट पेट पे हाथ रख के डकार ले रहे। दैत्य बोले, वो देवी कहां चली गई? दैत्य बोले, वो थी नहीं, वो था। क्या? मेरे साथ छल किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, देवता दैत्य में घमासान युद्ध छिड़ गया, इस युद्ध का नाम देवासुर संग्राम दिया गया। बड़ा भारी युद्ध हुआ, इस युद्ध में राजा बलि भी मारा गया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जब आए और राजा बलि को देखा तो मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया, और जब जीवित हुआ तो गुरुदेव के हाथ जुड़ गए सामने। गुरुदेव, यदि आज आप नहीं आए होते तो मैं तो कब का चला गया था। तो शुक्राचार्य ने कहा, देख बलि, यदि देवताओं के पक्ष में भगवान है तो तुम सबके पक्ष में तेरे गुरु जी हैं, चिंता की कोई बात नहीं। तो बलि ने कहा, गुरुदेव ये बदला कैसे लूं ये बताओ। देखो, अगर स्वर्ग का अधिपत्य चाहिए तो स्वर्ग पे इंद्र के सिंहासन पे वही विराजमान होता है जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है, यानी जो शतक क्रतु बनता है वही इस गद्दी पे विराजमान भी होता है। विश्वजीत नामक, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, अब भृगुवंशी ब्राह्मणों की दंडवत चालू हो गई लंबी लंबी, और ब्राह्मणों ने भी यज्ञ के माध्यम से शक्ति को बढ़ाना चालू किया, और यज्ञ से सुसज्जित रथ प्रकट हुआ, और इस रथ पे सारी शक्तियां मौजूद थी, इस पे विराजमान होके सीधे स्वर्ग पर आक्रमण बोला। सारे देवता यहां से खिन्न भिन्न होके इतर बितर सब भटकते दिखाई पड़ रहे हैं। देव माता बड़ी दुखी हैं, क्यों ना हो भाई, मां का मन तो दो ही जगह होता है, एक तो माइके में होता है, एक बच्चों में होता है, और बच्चे दर दर भटके तो मां कैसे खुशहाल हो पाएगी।
अदिति मैया देवताओं की माँ है, बड़ी दुखी है ऐसी दशा को देख के। कहते हैं कि कश्यप बाबा अदिति के पास आए तो अदिति ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, स्वामी देखो ना बच्चों की जो दशा हो चुकी है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आप कुछ कीजिए ना। कश्यप जी ने कहा, देवी इसके लिए तुम्हें एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, एक पयोव्रत का तुम्हें पालन करना पड़ेगा, जो 12 दिन तक दूध का सेवन करके नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी और फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 12 दिन तक इस अनुष्ठान को करना चाहिए और त्रयोदशी के दिन उद्यापन होना चाहिए। फाल्गुन श्यामले पक्ष राम रूप लीला धाम, सुंदर कीर्ति जब आप कानों से सुनोगे और कथा भीतर जाएगी तो जो दुश्मन है वो अपने आप हृदय भवन को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। पकड़ेला तो ग्राम छोड़ के तो चले ही जाएंगे, जहां तक आवाज ज्यादा ही होगी। तो ये तो साधक की पहली सीढ़ी है भाई, राम जी हृदय में आए तो ऐसे तो नहीं आने वाले आज यहां पे पकड़ेला गांव में। तो ये लक्ष्मण इनका क्या लक्ष्य है, इनके विषय में परिचय क्या दिया गया। लक्ष्मण ये दूसरी सीढ़ी है साधक का, तो इनका एक ही लक्ष्य है वो राम जी का चरण है। जब राम जी को वनवास हुआ था ना तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, लखन अयोध्या की दशा ठीक कम है तो मेरे समझ में तुम्हें यहां रहना चाहिए। तो क्या राम जी ने यह संकेत जब दिया तो लखन जी ने माना था इस बात को तो लक्ष्मण जी तो कुछ और ही बोल पड़े। गुरु पे तुम तो ना जान होता हो, गुरु पे तुम लक्ष्मण जी ने क्या कहा, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। तो आप अंतर्यामी रूप से मेरे भीतर में आप भी विराजमान हैं, तो आप ज्यादा कौन जान सकता है। ये साधक का लक्ष्य होना चाहिए है? दूसरे साधक कौन, लक्ष्मण देख लो। राम जी भी नहीं बोल पाए हाँ, लेकिन लक्ष्मण अकेले नहीं आएंगे। तो साधक का लक्ष्य
लक्ष्मण की भांति राम का चरण बन चुका है, इसकी पहचान क्या है? वाक्य पहचान सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित लक्ष्मण की शक्ति जिसका नाम उर्मिला है। उर्मिला का मतलब बार बार मिलने की उत्कंठा आपके मन में चालू हो जाए, जैसे प्रिया अपने प्रीतम से मिलने की याद में है, बार बार मन होता है। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, आए अयोध्या श्री राम हो, आजे बाजे बधैया, आए अयोध्या श्री राम हो, बाजे बाजे बधैया। पुष्पक भी बाण जब उतरा धरण परे, जब उतरा धरण पर, भरत पड़े चरण श्री राम के, चरण श्री राम जीते असुर संग्राम हो, अजय बाजे भरैया, धरती पर धन से पाण रघु नवमी करते हैं वंदने, तो गुरु जी के चरणों में वंदन होने के बाद फल क्या मिलेगा, हाथ ऊपर हो जाए सब पता चल जाएगा। गुरु जी के चरणों में करते करते तो पूरे भगे मनो काम हो, अजय बाजे वह अपनी मौत का आवाहन स्वयं किया करते हैं। अब गोकुल में क्या घटना घट रही है ना, यहाँ श्रृंगार चल रहा है कन्हैया का, क्योंकि भी दर्शन देंगे ना भगवान। हाँ, तो गोकुल में क्या हो रहा है, आइए हम आप चलते हैं। हुआ किया करता है वह स्थान गोकुल कहलाता है। गौशाला से नंद बाबा सेवा करके निकले, संत ब्राह्मण की मंडली आई, बाबा जी ने प्रणाम किया, संत ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद निकल पड़ा, बाबा पुत्रवान भव, नंदबाबा को मालपुआ खिलाया जा और बदले में हम संतान गोपाल को जप अनुष्ठान करेंगे और देखे कब तक लाला को जन्म न भय। तो नंद बाबा जी ने कहा, आपके आशीर्वाद से घर में 9 लाख गईया है, कोई कमी ना आए। अब संत ब्राह्मण की खिड़की से तो भाभी के बगल में एक बालक नील कमल का है, हाथ पांव उछाल उछाल के खेल रहा था, नहीं पाई, दौड़ के बड़े बड़े करीब गई और वाकी आभा प्रभा बड़े नजदीक से देखने के बाद रहे सहे होश भी चले गए, लगाई दौड़। भैया, संत बोले क्यों चिल्लाती, ये बात क्या है, ये बताओ हमारे भैया कहाँ है। संत बोले जाके देख, कहीं माला सटका रहे होंगे।
आई, भैया भैया मेरे इनाम क्या होंगे ये बताओ। सोने की सिकड़ी पहने थे उतार के दे दिया, और तिजोरी की चाबी थी वो भी दे दिया। अरे जल्दी बता क्या बात है गई। भैया लाला को जन्म है गए। आप इतना सुनते ही बाबा 90 साल को बुढ़ापा भूल के 16 साल जैसे छोकरा उछल पड़े। संत ब्राह्मण आ गए, स्वस्ति वाचन शुभारंभ कर दिया। स्वस्ति नः इंद्रो वृधसर्वाः, स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तादिच्छो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। देवः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरो हृदयः शान्ति वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे गुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।
वैसे बालक का जन्म हो जावे तो जो बूढ़े बूढ़े दादा लोग बैठे हैं ना पोता छोटा के विषय में सुन ले तो वो नहीं रह पाते, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखे ऐसा तो देख लो, बड़े शर्म की बात है ना। और जो नहीं नाचे बगल में बैठने वाले की सौगंध, अब आपका पकड़ेला गांव के भक्तों का विषय है, मुझे नहीं मालूम। We'll be right back.
व्यासपीठ की तरफ से कृष्ण जन्म की बधाई हो। तो आज जन्म पे हो ही क्या सकता है, जो आप लोग कर रहे हैं वही हो सकता है। अरे बन के मदारी आए पिपुरानी बानर के रूप नच बजरंगी, बानर के रूप नच बजरंगी, बन के मदारी। अरे फूलों की बरसात करे देवी देवता, अरे फूलों की बरसात करे देवी देवता, नारद बताने सारंगी। अरे बोलो तुमने खाई खुशहाली, बोलो सना मनोहर मंगल मुरा सुहावन सुंदर सुराता जी के तरफ से कुछ न कुछ भेंट आ रहा है। दादा बबुआ सी हम हुई है ओ से ऊपर अपनी हम हुई है ओ हे लला नाही तरे सी दादा बबुआ सी हम हुई है ओ से ऊपर अपनी हम हुई है ओ हुई है वाइस चांसलर इनामर सिटी के मेरा लंदन सिटी के सिटी के मेरा लंदन सिटी के मो हे ललना हो बाते कर तेरी कावन टी के तेहिया अपना मिट्टी के हो हे ललना हो बाते कर तेरी कावन कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की बोलिए द्वारका
रुक्मणी नमन भगवान की। अब यहाँ पे हम सरकार बन चुके हैं और आप लोग भी जो है बधिया। और हमारे परम आदरणीय जजमान जी से निवेदन है
इधर भी ध्यान ध्यान दीजिएगा। हमें लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। भगवान की शादी है बताइए, इसे मत हाथ उठाइए सब लोग। कितने लोग मंच पर हैं, इधर भी आप लोग, पीछे वाले लोग नहीं उठा रहे हाथ, सब लोग हाथ Thank you.
जो नहीं आ सके उन भक्तों की, ने अपने माता पिता की, ने अपने गुरु गोविंद की, दुर्गा मैया की, सर्वावाहित देवी देवता की, मुख्य यजमान की, श्रीमद भागवत महापुराण की, जय जय सीता। हे बाबा तेरे, हरि श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। Thank you.
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कितना है तुझको सब संसार के तेरी मोर की उतारो मैं गिर धन तेरी यार के वो देख तेरी महिमा गाए संत करे जान नारद गुणगान करे छेड़ तेरा तारा संत करे कारज गुणगान करे भीड़ के राता भक्त तेरे यार करते भी